We are going to discuss about etymology, word power, etymology, the science of words. How can we learn words and their meanings without any stress, without any pressure? किस तरह से हम सबसे आसानी से शब्दों के meanings को जान सकें, यही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं etymology. एटिमोलॉजी हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स क्या है. इसी के लिए हम एक एक रूट वर्ड जानेंगे. जो आज का रूट वर्ड है डेमोस. डेमोस मीन्स होता है पीपुल, कॉमन मैन, जनता, सामान्य लोग. डेमोस या ग्रीक रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा से आया हुआ है. ग्रीक रूट वर्ड्स मतलब ग्रीक भाषा से. कुछ ऐसे रूट वर्ड हैं जो कि ग्रीक भाषा से आए हैं, कुछ ऐसे रूट वर्ड्स हैं जो लैटिन भाषा से आए हैं, कुछ ऐसे रूट वर्ड्स हैं जो फ्रेंच से आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हेब्रू से आए हैं. अभी हम डेली पढ़ रहे हैं केवल ऐसे ग्रीक रूट वर्ड्स जिसे कि कुछ नए शब्द बने हुए हैं. हम लोग देखते हैं कि डेमोस मीन्स पीपल होता है. एक सिंबॉलिक ट्री अगर देखें तो किस तरह से ट्री के रूट को हम डेमो लिखें और इसमें जो बनने वाले वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी, डेमोफोबिया, डेमोमेनिया, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड मेनी मोर वर्ड्स, कई शब्द बनेंगे. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक बिंदुवार देखेंगे, एक एक क्रम से देखेंगे कि किस तरह से बना है, उसका मीनिंग्स क्या है. तो डेमोक्रेसी देखते हैं. तो डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स शासन व्यवस्था, तो रूल. तो जो डेमोक्रेसी है इट मीन्स रूल बाय पीपल. इसको हम रूल बाय पीपल कहते हैं, इसको लोकतंत्र कहते हैं, इसको जनतंत्र कहते हैं, इसको गणतंत्र कहते हैं. किसी ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाई द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, एंड दैट पर्सन इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हुज नेम वॉज अब्राहम लिंकन. तो डेमोक्रेसी, इसको हम कहते हैं लोकतंत्र, क्योंकि लोक जनता के द्वारा जो सरकार बनी है, दो रूट से बना है मिल करके. हम लोग अगले वर्ड की तरफ जाते हैं. डेमो मीन्स पीपुल, एगोगोस मीन्स लीडर. जो एगोगोस होते हैं, लीडर होते हैं, जैसे पेडागॉजी, आप देखते हैं पेडागॉजी जो शब्द आता है, तो पेडोस मीन्स चाइल्ड, एगोगोस मीन्स लीडर, जो टीचर जो था, लीडर होता है बच्चों का. उसी तरह से डेमोगोस मीन्स लीडर, लीडर ऑफ मॉब. इसका जो है निगेटिव सेंस में मीनिंग्स लिया जाता है. निगेटिव सेंस मीन्स उसको भड़काने वाला या कुछ गलत काम कराने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को हम डेमागॉज कहते हैं. उसको जो गुड सेंस में हम लीडर को डेमागॉज नहीं कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड विल बी डेमोजेनिक, पर्टेनिंग टू पीपुल, लोगों से संबंधित हो, नॉट बाई सिंगल फैमिली. अगर कोई राजा बनता है, अगर वह डेमोजेनिक है, इसमें शासक बन सकता है लोकतंत्र में, कोई सामान्य व्यक्ति भी शासक, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है. लेकिन यदि किसी व्यक्ति के घर के व्यक्ति बनते हैं तो उसको हम डेमोजेनिक नहीं कह सकते हैं. दैट विल नॉट बी डेमोजेनिक, क्योंकि वह जनता से नहीं आ रहा, वह किसी विशेष घराने से आ रहा है, किसी विशेष वंश परंपरा से आ रहा है. तो हम डेमोजेनिक, इट मींस दैट कम्स फ्रॉम द पीपुल. नेक्स्ट डेमोसाइड. डेमो मींस पीपुल, साइड मींस टू किल, हत्या कर देना. तो डेमोसाइड मींस किलिंग ऑफ पीपुल क्या होता है. तो इसे हम कहते हैं जनसंहार, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर लोगों की हत्या होती है तो उसके लिए जो शब्द आता है डेमोसाइड, जनता का नरसंहार. नेक्स्ट डेमोमेनिया. व्हाट इज डेमोमेनिया? डेमोस मीन्स पीपुल, मेनिया मीन्स मैडनेस, डेमोमेनिया मीन्स, या दो शब्दों से मिलकर बना है, मैडनेस और डिजायर फॉर
living among people, जो लोगों के साथ में रहने के लिए हमेशा इच्छुक हो, वो अकेले न रह पाता हो, उस तरह के एक मानसिक बीमारी या डिजायर कह सकते हैं उसको, इच्छा अति इच्छा, वह डेमोमेनिया कहलाता है, जो कि लोगों के बीच में रहने की जो एक लत है उसे हम डेमोमेनिया कहते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह वर्ड है पैंडेमोनियम। व्हाट इज पैंडेमोनियम? पैन मींस ऑल, डेमोस मींस पीपल, पैंडेमोनियम। व्हाट इज पैंडेमोनियम? यह एक ऐसी दशा है जिसमें कि जनता जो होती है क्या हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। पैंडेमोनियम ए स्टेट, ऐसी दशा, स्टेट मींस ऐसे कंडीशन इन विच पीपुल आर अनकंट्रोलेबल, जिसमें कि उसमें नियंत्रण नहीं हो पाते हैं, माप जो होती है वो भड़क जाती है, उसे हम कहते हैं हिंदी में विप्लव। जब विप्लव हो जाए, यानी कि पैंडेमोनियम हो जाए, व्हेन इट गेट्स द स्टेट ऑफ पैंडेमोनियम, इट मींस जब लोग भगदड़ मच जाए, लोग पागल हो जाए और कंट्रोल में ना आए, इस तरह के वर्ड के लिए आता है पैंडेमोनियम। और मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हैं, और प्रैक्टिस कीजिए मेरी टाइम्स यू वॉच दिस कंटेंट एंड लर्न मोर एंड मोर फॉर टुडे। रेस्ट फॉर टुडे, वी शैल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।